हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट की शॉर्टकट कमांड होती है एम टी इंटर। ओके, जैसे ही आप एम टी इंटर करोगे, ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो आपको एजूवी जहाँ पर आपकी नीड है वहाँ पर आप क्लिक करो, उसके बाद स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकेंड कॉर्नर पे क्लिक करो। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पे जो भी टाइप करो एजूविस, ठीक है, इसके बाद क्लोज। ठीक है, क्लोज। अब आपको इसकी साइजिंग बड़ी करनी है टेक्स्ट की, टेक्स्ट को एडिटिंग करनी है, इसकी फॉन्ट चेंज करनी है वगैरह वगैरह जो भी। तो इसको साइज चेंज करने के लिए, इसको एडिट करने के लिए, इस पर आपको डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर में इतनी सारी विंडोज ओपन होगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करनी है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहला यहाँ से इसकी जो साइजिंग है वो चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल 0.02 है, आपको यहाँ पे 2 चाहिए, 2, देन इंटर। वैसे आपकी उसके बाद आपकी ये टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको यहाँ से क्लोज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करो। इसके बाद आपको इसमें और भी एडिटिंग करनी है, तो इसे आप सेलेक्ट करो। इसके बाद आपको यहाँ से मिल जाती है इसकी टेक्स्ट की फॉन्ट। आपको कैसी टेक्स्ट चाहिए, जैसे आप एमएस वर्ड में यूज करते हो उस टाइप की आपकी यहाँ से आपकी फॉन्ट मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ से ये बोल्ड मिल जाती है, इटालिक मिल जाती है, स्क्रिप्टिंग मिल जाती है, इसके बाद आपको मिल जाती है सब स्क्रिप्टिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक मैच का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आपकी टेक्स्ट को मैच कर सकते हो एज़ पर नीड। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाती है कलर चेंज की ऑप्शन। आप यहाँ पे एजूबीस जो भी कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद आपको जस्टिफाई मिल जाती है, एक जस्टिफाई का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जस्टिफाई में टॉप लेफ्ट, टॉप कॉर्नर, जहाँ पे आपको सूटेबल हो वहाँ पे आप टेक्स्ट को रख सकते हो। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से मिल जाती है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ। ठीक है, आप लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, सेंटर पर रखनी है, जैसे आप एमएस वर्ड में यूज करते हो। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है कॉलम की, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सैम्बल का ऑप्शन मिलती है, आप यहाँ से सैम्बल इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक की ऑप्शन मिलती है, जैसे आप एमएस वर्ड में स्पेलिंग को चेक करते हो इस टाइप की, आपको यहाँ से स्पेलिंग चेक की ऑप्शन मिल जाती है, मेरा स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर एडिट डिक्शनरी, तो यहाँ से आप इसकी जो भी टेक्स्ट की है आपकी प्रॉपर्टी स्पेलिंग चेक की, यहाँ से डिक्शनरी से भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद एक आपको यहाँ पे एक रिप्लेस एंड फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप यहाँ से टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लाइक इंटर किया वी, ठीक है, सी इंटर किया, उसके बाद मैं फाइंड करूँगा फाइंड टेक्स्ट फिनिशिंग। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिल जाती है, स्टैंडर्ड में रखनी है या तो आपको एनोटेटिव में रखनी है, वो एज पर नीड आप इसे कर सकते हो। टेक्स्ट में और भी है तो मैं वो आपको और बताता हूँ। एम टी इंटर, जैसे ही आप एम टी इंटर करोगे, ये आपका फर्स्ट कॉर्नर पूछेगा, आपने यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर दे दिया। ठीक है, इसके बाद आपको टेक्स्ट की हाइट अगर वहाँ से नहीं चेंज करनी है तो आप यहाँ से नीचे से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट की हाइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 4 इंटर कर दिया एंड सेकेंड कॉर्नर, तो आपके ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट की हाइट 4 लेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट वन आती है एम टी इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। इसके बाद आपकी आती है रोटेशन, आपको कितनी एंगल पे चाहिए, लाइक आपको 45 के एंगल पे चाहिए तो ये 45 के एंगल पे ये राइट करेगा आपको। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, ये आपकी 45 डिग्री के एंगल पे लेकर जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 45 डिग्री के एंगल पे लेकर गया इसे। ठीक है, इसमें और भी है एम टी इंटर, एम टी इंटर किया आपने, फर्स्ट पॉइंट लिया। फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है स्टाइल, कौन सी स्टाइल आपको चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड या नोटेटिव जो भी आपके स्टाइल चाहिए आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। ओके, वापस एम टी इंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपको विथ कितनी चाहिए, लाइक हमें विथ चाहिए 5, तो मैंने 5 डाल दिया। अब आप यहाँ पे इसे इंटर करने के बाद, टाइप करने के बाद यहाँ से आप क्लोज करो। ठीक है, तो आपके 5 के विथ पे टाइपिंग हो जाएगी। अब इसके बाद आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसे क्लिक किया, जो आपकी ये एरो है इसे पकड़कर आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। ओके,
एंड इसे डबल क्लिक करने के बाद इसकी और भी आप इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। हमने एम्प्टी इंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ से कॉलम भी दे सकते हो, कौन सी आपकी कॉलम चाहिए, डायनेमिक या स्टैटिक, नो कॉलम। तो ये जो डायनेमिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। उसके बाद आपको लाइक स्टैटिक चाहिए, अपने स्टैटिक पे क्लिक किया। कितनी विथ की चाहिए टोटल, लाइक हमें 20 की चाहिए तो मैं 20 इंटर कर रहा हूँ, इंटर 20, ठीक है। इसके बाद आपको कॉलम नंबर, कितनी कॉलम चाहिए, जैसे हमें 4 चाहिए मैं 4 इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और गटर विथ, गटर विथ हमें चाहिए 2 इंटर, ठीक है। और कॉलम हाइट आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से कॉलम की हाइट मुझे 5 चाहिए, 5 इंटर किया, ठीक है। तो आपके पास ये विंडो ओपन होती है, तो आप यहाँ से इसमें टाइप कर सकते हो, इसमें ये टाइप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जो बात आती है गटर हाइट, जो गटर हाइट होती है वो इसी इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसे हम गटर हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में, ओके। तो उससे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपकी क्लियर हो जाए ज़्यादा। और अब इसके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, डी टी इंटर करना है, ओके। डी टी इंटर करना है या फिर आप डायरेक्टली टी ई एक्स टी टेक्स्ट, आप टेक्स्ट इंटर कर सकते हो, ठीक है। आपने टेक्स्ट इंटर किया, ये आपकी पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो आपको हाइट कितनी चाहिए, लाइक मुझे 3 की हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 का हाइट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप पूछ रहा है ये रोटेशन एंगल, तो एग्जैक्टली आप जानते नहीं हो कि एंगल कितनी, जो ये लाइन है वो कितनी डिग्री एंगल पर ड्रॉ है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये इसकी लाइन की सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक उस एंगल को ले लेगा, ओके। तो आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इस एंगल पे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इसे मैं एडिट कर लूँ यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे एडिट तो कर सकते हो इसकी लाइन टेक्स्ट को, बट इसकी और भी जो प्रॉपर्टी है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट करके रखना होगा, या तो फिर आपको इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट में जानी है, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसकी सारी, आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसकी टेक्स्ट हाइट चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट हाइट 2 डाल दिया, यहाँ पे और भी जो भी सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ओके। और सेट करने के बाद आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे सेट कैरेंट पे करनी है, यस एंड क्लोज। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट चेंज हो चुका है, ओके। तो आप यहाँ पे इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसे ओपन करने की और भी मेथड है, जो यहाँ पे आपकी एनोटेशन पैनल है यहाँ पे आपको मल्टी लाइन की विंडो मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको सिंगल लाइन की विंडोज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल लाइन मल्टी लाइन दोनों को आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ओके फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।